इधर दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, यहां पर तेंदुआ देखा गया है। यह चौंकाने वाली खबर है। जी हां, वजीराबाद के बायोडायवर्सिटी पार्क में यह तेंदुआ दिखा है। वैज्ञानिक इसे इकोसिस्टम के लिए काफी फायदेमंद मान रहे। वैज्ञानिकों के मुताबिक तेंदुए के आने से यह आशा बंधी है कि यह डायवर्सिटी पार्क एक मॉडल के तौर पर उभर रहा है, जिससे देश भर में वनों के पुनर्विकास में मदद मिलेगी। पिछले करीब दो हफ्तों से पार्क में तेंदुए के आने के संकेत मिल रहे थे। वैज्ञानिक इसे लगातार मॉनिटर कर रहे थे। पैर के निशान के सहारे उन्होंने तेंदुए तक पहुंचने की कोशिश भी की। थोड़ी ही दूर जाने पर तेंदुआ एक पेड़ के नीचे बैठा नजर भी आ गया। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी का। प्रशांत, कब से ये जानकारी मिल रही थी या कब से ये संकेत मिल रहा था कि तेंदुआ वहां पर मौजूद हो सकता है? देखिए अभितोष, ये पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से करीबन 200 किलोमीटर दूर ये कलेसर नेशनल पार्क से जो तेंदुआ है, ये यमुना के रास्ते यहाँ पर बायो डायवर्सिटी पार्क जो है वजीराबाद में वहां पर पहुंचा है। और कई महीनों से जो वहां पर वैज्ञानिक है वो इस चीज को नोटिस कर रहे थे कि वहां पर उस पार्क में तेंदुए के पैरों के जो निशान है वो पाए जाते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से जो उनकी टीम है उस पर रिसर्च कर रही थी। इसके बाद जब और रात को उस पार्क में निकले तो एक पेड़ के नीचे आखिरकार उन्होंने तेंदुओं को बैठा पाया। और जब वहां वह पहुंचे तो उसने थोड़ी बहुत हरकतें भी की, जिसका एक वीडियो भी बनाया गया और वीडियो वायरल हो रहा है। यानी कि जो वैज्ञानिक है वो काफी उत्साहित है कि आखिरकार जो 2004 में इस बायोडायवर्सिटी पार्क को एक जंगल का रूप देने की मुहिम शुरू करी गई थी, आखिरकार वो कारगर साबित होती नजर आ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक यहां पर राहत दिख रही है कर्मचारियों में, अधिकारियों में, जो कोशिश उनकी थी वो रंग लाती हुई यहां पर दिख रही है। तो तेंदुआ नजर आया, एक राहत।